नमस्कार, सुरागिलान न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। गदरपुर में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। खुलने से पहले ही कॉर्बेट का ढिकाला जोन 31 दिसंबर के लिए पैक। हल्द्वानी में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूर्ण। लालकुआ में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से प्रशासन अलर्ट। रामनगर में 1 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाजपुर में किसान मजदूरों की बैठक। काशीपुर में 5.85 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। आप खबरें विस्तार से। सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस के सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक लगी आग की चपेट में आकर पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, कल रात को 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर, सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही इसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई, आग लगी हुई थी। तो मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसके बाद हमने डीसी को बताया इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में उस टेक्नीशियन, चूँकि गैस भरी हुई थी तो उसके टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है और वो स्वयं ही टकरा गई थी, वो बैलेंस बिगड़ने से स्वयं ही टकरा गई थी। देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई थी और चूँकि गैस से भरा हुआ ट्रक था डीसीएम, तो उसको सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था। तो उसके बाद तत्काल ही मौके पे टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को लीकेज करवा दिया गया है और कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुआ। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को तमंचा व चाकू के साथ गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा लगातार ये अवैध असलों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी सूचनाएं बार बार मिल रही हैं कि कई लोगों के पास अवैध असले हैं, तमंचे हैं और अवैध चाकू भी लेकर लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए कल कटोरालाल क्षेत्र से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक युवक का नाम है विशाल और दूसरे का नाम है कैलाश। इन दोनों के पास से एक तमंचा मिला है 315 बोर का, जो कि अवैध तमंचा है, और एक जिंदा कारतूस मिला है और एक इनके पास चाकू भी मिला है। इन दोनों पर हमने कार्रवाई करते हुए इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दोनों युवकों का पुराना भी इसी प्रकार का आपराधिक इतिहास है और पहले भी ये आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। दोनों ही चोरी करने के भी आदी हैं और नशा भी करते हैं, जिसके लिए साथ में ये अपनी हिफाजत के लिए ये असला रखते हैं कि कभी कोई बात हो जाए तो ये बैक फायर या बैक जिसको हमला भी कर सकते हैं, इस प्रकार की है। और इसी अभियान को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। क्षेत्र में कोई भी ऐसे लोग हैं जिन पर असले हैं तो वो उनसे मेरी यही अपील है कि इस प्रकार की कोई भी हरकतें ना करें, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो पब्लिक से भी हमारी ये अपील है कि अगर किसी के पास अवैध असले हैं और उनकी नॉलेज में है तो ये हमें ज़रूर बताएं, आपका नाम रोक में रखा जाएगा और हम उस पर सब कार्रवाई करेंगे और सीज करेंगे। गदरपुर में कुछ दिनों पूर्व घरों व मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति एवं सामान चोरी होने की सूचना थाने में दी गई थी, जिसके चलते व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को दिवाली तक समय दिया और गोवर्धन की पूजा न करने की बात कही। इसी के चलते आज जनप्रतिनिधि व उनके समर्थक थाने में धरना प्रदर्शन करने गए, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष व जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। के पीछे कोई नंबर नहीं गाड़ी का, कुछ नहीं सर। गौरव जी बताइए क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध ढिकाला जोन खुलने से पहले ही 31 दिसंबर तक पैक हो गया है। बता दें कि 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए ढिकाला जोन खुल जाएगा। संवाददाता कैलाश सुहेल की रिपोर्ट।
देखिए ढिगाला जोन को खोला जाएगा 15 नवंबर से अगले महीने, और इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रोड्स की स्थिति बीच में बारिश होने की वजह से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसको भी काफी हद तक ठीक किया जा चुका है। उसके अलावा जो भी अवस्थापना से संबंधित सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी है उनकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख नवंबर से ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब लाल कुआ में मच्छर जनित रोगों के बढ़ते प्रभाव के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ भागीरथी जोशी एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा हया के द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा अंबेडकर पार्क में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निशुल्क परीक्षण एवं दवाई वितरण की गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। कैंप अभी लालकुआ में थोड़ा सा प्रभावितों की संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं, और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआ, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे, और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआ की यहाँ पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। देखिए जैसे हमें खबर आती है कि कहीं पे डेंगू के मरीज आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है, यही इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है, और इसकी भी हमें न्यूज़ कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे 2 मरीज़ और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगह पर डेंगू के केस ज़्यादा थे, अब यहाँ पर आने शुरू हुए, तो अब टीम हमारे यहाँ पर लगातार कार्य करेगी। किसी भी प्रकार की जांचें होती हैं मैडम, क्या निशुल्क रहेगी इसमें दवाई वितरण को लेकर? क्या दवाई वितरण जो कैंप में हो रहा है वो निशुल्क रहेगा, और जांचें जो भी है जो पीएससी में हो रही है वो निशुल्क होंगी। बड़ी समस्या से प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, लोगों तक जानकारी भी नहीं पहुँच पाती, उसको लेकर कोई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे? देखिए प्रचार प्रसार के लिए जैसे सीमो मैम ने कहा कि 2 हम लोग निक्कड़ नाटक यहाँ पे करवाए हैं, अभी भी हमारी आशाएं जो है हमारी टीम है वो प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ घर में जाएंगे वहाँ पे करेंगे। हल्द्वानी में छठ महापर्व को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग हल्द्वानी में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ भी छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, और छठ घाट को पूजा के लिए तैयार किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे यहाँ के पूर्वांचल की ये बहुत महत्व त्यौहार होता है, ये बहुत साफ सफाई से इसकी पूजा होती है, और पूरे उत्तरांचल पूर्वांचल और बंगाल और यहाँ पर कुमाऊँ के भी काफ़ी लोग यहाँ छठ पूजा करते हैं, और इसका सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें हमारे यहाँ 28 को नहाए खाए से शुरू होता है, 29 को खरना होता है, 30 को डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है, और 31 को उगते हुए सूर्य का अर्घ देने के बाद महिलाएं व्रती महिलाएं जो हैं अपना व्रत तोड़ती हैं। नमस्कार। छठ पूजा सबसे पहले तो छठ पूजा सभा समिति देशवासियों को प्रदेशवासियों को और हल्द्वानी के तमाम जनता को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देती है। छठ पूजा 28 तारीख से खरना के साथ शुरू होगा, 29 तारीख को पारण होता है, 30 तारीख को शाम को 4 बजे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, 31 तारीख को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त हो जाती है। ये तो कब से लगे हुए हैं, हफ्ता हो गया, और बड़ा जोर शोर से सब ये व्यवस्था चल रही है, और आज से इसका शुरुआत हो गई, जैसे शुरुआत हो गई, कल खरना हो गया, इसके बाद में 30 तारीख को शाम वाले घाट होगा, और 31 को ये समाप्ति। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर
पुलिस टीम द्वारा कुल 12 ग्राम इसमें बरामद की है, जिसमें मुलजिम जावेद और हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। बाकी इस संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है। बाजपुर के ग्राम नंदपुर नरकाटोपा में इंटराक मजदूर संगठनों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न किसान एवं मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बैठक में 29 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में मजदूरों के पक्ष में निर्णय नहीं आने पर 18 नवंबर को वहां पंचायत आयोजित करने की रणनीति तैयार की गई है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ठीक है ना, पूरे ब्लॉक वाइज सारी योजना बना है कि जो रुद्रपुर फैक्ट्री है, दो है, एक रुद्रपुर में है, किशा में है। वो उनके जो मजदूर हैं वो बेचारे सवा साल से धरने पे बैठे हुए हैं। कई दफ़ा इनकी वार्ता हो चुकी है प्रशासन से, मगर किसी तरह बात नहीं लगी। इनके बच्चे भूखमरी पे आ गए हैं, इनके पास कोई, हमने इनको अनाज भी भेजा यहाँ से, पैसे इकट्ठे करके भेजें ताकि इनके बच्चों को गुजारा होता रहे, मगर जो फैक्ट्री मालिक है उसको कोई तरस नहीं आ रहा। इसके विषय में हमारी पिछले महीने पंचायत हुई थी, डिकैर साहब उसमें आए थे, उन्होंने कह दिया था अगर ये फैसला फैक्ट्री मालिक नहीं करेगा तो हम अगले महीने की 18 तारीख को महापंचायत आएगी, उसमें ट्रैक्टर ट्राली ला के गेटों के आगे खड़ी कर देंगे और बिल्कुल फैक्ट्री बंद करवा देंगे। मगर हम नहीं चाहते कि फैक्ट्री बंद हो, हम चाहते हैं फैक्ट्री चलती रहे, इनकी भी रोजी रोटी गरीबों की चलती रहे। हम फैक्ट्री चलाने के हक में हैं और फैक्ट्री मुनाफे में जाए, हम इस बात का भी खुशी मनाएं कि फैक्ट्री मुनाफे में जाए। और ये जो हमारे कर्मचारी हैं ये कहते हैं हम डट के काम करें कि हमें निकाला गया फैक्ट्री में से, इनको फैक्ट्री में से निकाल दिया है। वो मांगें जो हैं वो हमने आज मीडिया को दे देनी है, जितनी मांगे हैं अगर पूरी नहीं होगी, परसों के इनकी मीटिंग है एडीएम के साथ और उनके फैक्ट्री वालों के साथ, अगर फैसला नहीं कोई होगा फिर हम बड़ा निर्णय लेंगे जिससे पता चल जाएगा किसान और मजदूरी कुछ कर सकते हैं। आज यहाँ जो दोनों फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधि हैं वो भी हैं और किसानों के जो प्रतिनिधि वो भी बैठे हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता करम सिंह पड्डा जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जैसा फैक्ट्री प्रबंधन चाहता है कि वो सिर्फ फैक्ट्री के जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं उन्हीं से वार्ता करना चाहता है, तो इससे किसान प्रतिनिधियों को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज कहा गया है पूरी किसान प्रतिनिधियों द्वारा कि सारे जो मजदूर प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करें 29 तारीख को जो प्रस्तावित वार्ता है, और उसमें फैक्ट्री प्रबंधन से भी ये उम्मीद की गई है कि वो सहानुभूतिपूर्वक इनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो फैक्ट्री प्रबंधन फिर भी हठधर्मिता पर रहता है और शासन प्रशासन इन मजदूरों की बात को नहीं सुनता है तो फिर जो 18 तारीख को जो प्रस्तावित है राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी का जो ऐलान है कि वो 18 तारीख से इंट्रार के जो किच्छा फैक्ट्रीज के गेट पर बैठेंगे किसानों मजदूरों के साथ, तो फिर उसकी तैयारी के लिए पूरी योजना बनाई जाएगी, ये आज निर्णय हुआ है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5.85 ग्राम स्मैक बरामद की है। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। ये नशे का भी हमारा अभियान जारी है। एक ये इसी पर कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों की हमारे पास पहले से सूचना थी, तो इसमें कुंडला पुलिस को निर्देशित किया गया था, तो इसी पर कार्रवाई करते हुए उनकी सुराग से कतार से करते हुए एक ये मोहम्मद मुनीस है, इसको हमने कुंडला में शिवराजपुर पट्टी से इसको अरेस्ट किया है। और इसके पास मौके पर लगभग 5.5 ग्राम स्मैक था और इसको स्मैक के साथ हमने अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।